हेलो फ्रेंड्स, दीना की किचन में आपका स्वागत है। मार्केट में अब बहुत सारे नए नए फल आ गए हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ आलू बुखारा भी आ गया है। और जल्दी से हम इसकी एक नई रेसिपी बना लेते हैं, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला फल है। और आज हम इसकी बनाएंगे जैम, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। जब देखो बच्चे जैम मांगते हैं खाने को, ब्रेड के साथ या पराठे के साथ, तो क्यों ना आज हम अपने घर में ही साफ़ सुथरा और अच्छे से तैयार होने वाला हम घर में ही बना लेते हैं इस आलू बुखारे का जैम। चलो शुरू करते हैं जैम बनाना। ये मैंने आधा किलो आलू बुखारा लिया है और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है बिल्कुल। और हमें इस बात का ध्यान रखना है ये बिल्कुल भी नरम ना हो, यानी कि ख़राब ना हो, ज़रा सा टाइट वाला ही हमें आलू बुखारा लेना है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या आपके यहाँ जैसा भी मिलता है आप उसे ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से धो लिया है हमने और इसको साफ़ कर लिया है। अब इसके पीसेस काटेंगे हम। इसके सारा जितना भी पल्प है इस पे से सब उतार लेंगे। ये सारे आलू बुखारे हमने काट लिए और उसकी सारी गुठली अलग कर दी है। चलिए अब हम इसे पीसते हैं। ये हमने मिक्सी के जार में डाल लिया, अब हम इसे पीसेंगे। अब हमने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, ये सारा जो इतना पल्प है हमने पीसा है इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें आधी कटोरी चीनी डाल लें। ये आप इसमें अपने हिसाब से टेस्ट में चीनी का देख सकते हैं कम ज़्यादा, पर ये आधी हमारी कटोरी यानी कि आधा कप चीनी सफिशिएंट है। और गैस हमने ऑन कर दी है, गैस अभी हमारी सिम पे है। अब इसे हम मिलाएंगे, थोड़ी सी गैस को तेज करेंगे और इसमें कोई भी हम कलर नहीं डालेंगे, इसका नेचुरल कलर ही बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि हमने इसका छिलका नहीं उतारा है। इसके छिलके से ही आप देखेंगे कितना सुंदर रंग आएगा। इसमें देखिए अब हमारे अच्छे से बॉईल हो रहा है और आप इसमें झाग भी देख रहे हैं। ये जैसे जैसे पकेगा इसके सारे झाग खत्म हो जाएंगे और अभी काफ़ी लिक्विडेड फॉर्म में है। ये देखिए कितना पतला है। अब इसे हम पकाएंगे और इसको पकाने के लिए हमें 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। आप पहले से देखिए काफ़ी कुछ हद तक गाढ़ा हो गया, अभी हमें 2 से 3 मिनट ही हुए पकाते हुए और इसके देखिए झाग भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। अभी थोड़ा सा और लिक्विडेड है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत थोड़ा सा यानी कि 3-4 पिंच इसमें नमक डालेंगे और इसमें हम कोई और केमिकल नहीं डालेंगे क्योंकि ये अपने आप में ही इतना खट्टा होता है कि इसको कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं रहती और इसको हम बना के फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। आपने सोचा होगा इसमें नमक क्यों डाला, इसमें हमें बैलेंस बनाना पड़ता है मीठा और खट्टे का, इसलिए हम हल्का सा नमक डाल देते हैं। कोई भी मीठी चीज़ बनाएंगे तो उसमें हल्का सा नमक जरूर डालिए। इसे प्लेट में डाल के चेक करेंगे। देखिए एक बूंद डालेंगे, देखिए और अभी हमारा ये नीचे हल्का सा बह के भी आ रहा है पानी से। देखिए तिरछी करिए हमने और ये ऊपर से अपनी जगह से हिल रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए अपनी जगह से हिल गया है तो इसका मतलब अभी हमारा जैम बन के तैयार नहीं हुआ है। इसको पकाते हुए 2 से 3 मिनट और हो गए हैं, टोटल हमारे ये 5 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए बिल्कुल ही हमारा ये जैम बन के तैयार है। फिर मैं आपको एक बार फिर चेक कराती हूँ ऐसे। और ये देखिए अब ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है तो इसका मतलब हमारा जैम बिल्कुल सही है। और गैस बंद करने के बाद भी जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसी स्टेज पे हमने गैस भी बंद कर दी है। और ये देखिए इसमें जितने भी वाइट था हमारा वाइट वाइट सारा ख़त्म हो गए हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। आप देख सकते हैं आलू बुखारे का जैम बनकर तैयार है। ये देखिए कितना स्मूथ है, इसमें ज़रा सा भी इसका छिलका नहीं है और छिलके की वजह से ही इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया। अगर हम इसका छिलका उतार देंगे
तो हमारा ये कलर नहीं आएगा और हमें आर्टिफिशियल कलर डालना पड़ेगा। और इसमें ये देखा बनेगा, और ये बच्चे तो देखते ही कहेंगे फटाफट कि लाओ ब्रेड लाओ और हम इसे खाएं। ये ब्रेड और पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी आप देखेंगे ये ढीला है थोड़ा सा, पर ये जैसे जैसे ठंडा होगा उतना ही थिक होता चला जाएगा। चलिए अब हम इसे लगा के भी दिखाते हैं आपको। ये हमने एक ब्रेड स्लाइस लिया है और इसको हमने ऐसे लगाएंगे। इतना स्मूथ लग रहा है ना मार्केट जैसा, घर में ही बन जाएगा, मार्केट से लाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। और जल्दी से बना लीजिए वरना ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला फ्रूट है। और आप इसे जब ये ठंडा हो जाए तो किसी कांच के बर्तन में इसे भर के रखना। और ये कांच का बर्तन भी हमारा बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए और सूखा हुआ होना चाहिए। अगर आपका तुरंत ही गीले में भरेंगे तो ये ख़राब भी हो जाएगा, इसलिए आप उसे धो के पूरे 2 घंटे तक या अच्छे से धूप में या अच्छे से कपड़े से और उसके बाद हवा में सुखा लीजिए, उसके बाद इसे भरिए। और हमेशा जैम हो या चटनी ठंडा करने पे ही भरा जाता है। गरम गरम भरेंगे किसी बर्तन में और उसका ढक्कन लगा देंगे तो उसमें स्टीम बन जाएगी, उससे उसका पानी आएगा और ये ख़राब हो जाएगा। और मेरी वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई नई वीडियो आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।